हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, मार्वल मेरे लिए वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं 35 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, तो आप लोग इसमें मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया की वो ऑडियंस हूँ जो मार्वल की मूवीज़ और सीरीज़ दोनों ही देखना पसंद करती है, लेकिन समझ में जल्दी कुछ नहीं आता। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन वो मैं थोड़ा आप लोगों को खुश करने के लिए कह रहा था। इतना भी ज़्यादा समझ में नहीं आता भाई, मैं वो ज्ञानी पंडित नहीं हूँ जो 15-20 मिनट का वीडियो इतना डिटेलिंग बनाते। यार, आप लोगों की वजह से तो हमको सीखने को मिलता है। फिर अब मैं ट्रेलर पर वापस आता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे क्या कर रहा है। तो देखो यार, आप लोगों ने एवेंजर एंडगेम तो देखी होगी, तो वहाँ पर लोकी ने, वो 2012 वाला लोकी जो कि विलन लोकी था, वो टेसरक लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब वो कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन लोकी की वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट हो गई। तो अब जैसे मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर मार्वल की इस यूनिवर्स में एक फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, TVA यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जो भी समय से छेड़छाड़ यानी कि टाइम से छेड़छाड़ करेगा, तो ये लोगों की एंट्री हो जाती है और ये लोग टाइम को फिर से फिक्स करते हैं। लेकिन जो बंदा ये सारी छेड़छाड़ करता है, तो उसको ये लोग सजा भी देते। तो इसीलिए TVA की एजेंट्स ने लोकी को पकड़ लिया और उसको वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चले गए, जहाँ पर इसकी मुलाकात हुई TVA के एकदम पुराने एजेंट मोबियस एम मोबिस, जिसका रोल यहाँ पर प्ले कर रहे ओवेन विल्सन, जो कि अपने आप में एक अलग तरह के एक्टर है। खैर, अब मोबिस चाहते कि लोकी किसी तरह से अब उन लोगों की हेल्प करे इस रियलिटी को फिक्स करने में। तो अब लोकी किस तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर कैसे ऑडियंस उनके साथ एक अलग तरह के एडवेंचर पर निकलती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी लोकी। देखो यार, लोकी गॉड ऑफ मिशिव है। लोकी इतनी बार लोगों को झूठ बोल चुका है, लोकी इतनी बार लोगों को धोखा दे चुका है कि लोकी पर सीधा से भरोसा नहीं कर सकते। और इसीलिए मोबिस उसको कहता है कि भाई, मैंने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से पढ़ा हो, मैं जानता हूं कि तुमने लोगों के पीठ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 50 बार चाकू घोंपे, तो तुम पे भरोसा करना इतना आसान है नहीं। तो इससे ये तो पता चलता है कि भाई, लोकी सीरीज में आपको जम के कॉमेडी, जम के वन लाइनर्स सुनने को मिलेंगे। लेकिन ट्रेलर देखकर एक चीज तो मैं आपको कह सकता हूं कि भाई, इस बार जो VFX है वो एक अलग लेवल का किया है भाई। और MCU स्टूडियोज में से आता है जो कि जो भी चीज करता है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे करता है। और यहां पर एक चीज मैं आपको सिंपली कह सकता हूं कि भाई, लोकी MCU कि उन पर्टिकुलर शोज में से एक है जो कि सब कुछ बदलने वाले हैं। लेकिन यार, ट्रेलर में बहुत सारे लोगों एक जगह पे ब्लैक वीडियो नजर आती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ब्लैक वीडियो नहीं है। लेकिन वो क्या है, कौन है, वो मुझे यहां पर नहीं पता, लेकिन इस एक्ट्रेस ने वो पर्टिकुलर रोल को प्ले किया, उसका नाम है सोफिया मार्टिना। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक वीडियो का रोल प्ले कर रही है या लेडी लोकी का रोल प्ले कर रही है या किसी और का। देखता हूँ कि आप लोग को भी कितना मालूम है। खैर, लोकी सीरीज रिलीज होने वाली है जून 11 को, तो अब आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, मुझे पता है कि MCU के बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं हमारे इंडिया में, और कुछ तो ऐसे जो किसी जासूस से, किसी इन्वेस्टिगेटर से कम नहीं है। तो वो लोग उस ट्रेलर को अभी कई बार देख चुके होंगे और मुझे पता है कि वो लोग बहुत सारे ईस्टर एग्स अभी तक ढूंढ लिए होंगे। तो अगर आप लोग उनमें से हो जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा शाणे हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या चीज़ नोटिस की उस पर्टिकुलर ट्रेलर में। और अगर जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा ऐसा लगेगा भाई बंदे ने बहुत रिसर्च किया, तो मैं उसके नाम के साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगा कि बताऊँगा कि भाई MCU के फैंस हमारे इंडिया में किस लेवल के। तो यार, बस इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्ज़ी यार, मुझे क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।